अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फरिया परवेज़। अभी बहुत तकलीफ़ के साथ मुझे बताना पड़ता है कि मेरी मदर की डेथ हुई 28 फरवरी 2022 को। अभी इतने दिन नहीं हुए लेकिन मेरा ये मैसेज रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्दी में अभी फ़ौरन इस बात को रिकॉर्ड ना करूं, मगर मुझे लगता है कि शायद मेरी इन बातों से कोई कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से कुछ डेवलप हो, क्रिएट हो सके, ताकि शायद किसी का कोई भला हो जाए इस लिहाज से। सबसे पहले जो मामला है वो है जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मेरी अम्मी थी, अचानक से उनको एक मेडिसिन ने रिएक्शन था उसका, मेडिसिन का, और उसकी वजह से मुझे उनको ऑलरेडी, मैं उसी हॉस्पिटल से उनको पहले चेक करा के लेके गई थी, उसी हॉस्पिटल से ही मुझे उनको ये दवाई दिलवानी पड़ी। जब मैं इमरजेंसी में उनको लेके पहुंची, जो इमरजेंसी के हालात थे वो बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि उसको एक इमरजेंसी कहा जाए। इमरजेंसी होती है, एक एक्सीडेंट है जो विच दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, विच नीड्स इमीडिएट एक्शन। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, और हॉस्पिटल का नाम जाहिर है मेरे लिए लेना बहुत ज़रूरी है, इट्स बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग बहरिया में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका ही ये था कि वो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाते, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत है, इंटरनेशनल लेवल से अगर देखा जाए उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। मगर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से एक मरीज़ जो एंटर हुआ है वहाँ पे इमरजेंसी में, उसको फौरी तौर पे जो तिब्बी सहूलियात होती हैं वो ना दी जाएँ। बातें कहने को मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, मैं अपनी इन बातों से किसी को भी डायरेक्ट हिट नहीं कर रही, मगर फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मेरा आज अल्लाह ताला ने जो भी मुझे नवाजा है, जो नाम है, आप छोटा मोटा जो भी मुझे अल्लाह ने नाम दिया है, उस हिसाब से एटलीस्ट मेरा एक कंट्रीब्यूशन है जो सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद मेरे इस वजह से कुछ चंद कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। सबसे पहली बात जो है कि लोग जिन तिब्बी अलामात के ज़ाहिर होने पर अपने प्यारों को हस्पताल लेके आते हैं, डॉक्टरों को उन पर तवज्जो देनी चाहिए, और तवज्जो तो ज़ाहिर है काफ़ी हद तक डॉक्टर्स देते भी हैं, मगर उनके जो तिब्बी अलामात ज़ाहिर हो रहे हैं उनके मुताबिक उनका इलाज करना चाहिए। सेकेंडली, हस्पतालों को अपने प्यारों पर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक हस्पताल जिसमें आप अपने प्यारों को लेके आते हैं, उनके ऊपर बिला जवाज़ जो तजर्बात है ना, वो ना करने दें। मेरी कैसा क्यों कंडीशन है, मैं ये बातें करते हुए मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मगर ये बातें अल्लाह जानता है कि ये करनी बहुत ज़रूरी थी। इस बात को आप यकीनी बनाएं कि डॉक्टर मुस्तनद है, और वो इलाज से पहले मरीज़ के हवाले से आपको सब बताए और समझाए ताकि आप मुतमईन हो सकें। होता ऐसे ही है हमारे साथ कि हम जब एक मरीज़ के साथ जाते हैं तो हम बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि इलिटरेट हैं, हमें क्या पता अंदर डॉक्टर मरीज़ के साथ क्या कर रहा है, या अब उसको क्या ऐसी ज़रूरियात हैं, उसको कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए। और बहुत ये भी अजीब सी बात है कि जब मैंने अगर ये पूछना भी चाहा कि मेडिकेशन अब क्या दी जा रही है, तो वो दे सेड कि ये तो हमारा यहाँ का पॉलिसी है कि वो हम नहीं दिखा सकते, वो नहीं बता सकते। उसके अलावा अगर मरीज़ को कोरोना नहीं है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोरोना पे डालकर मरीज़ को गैर ज़रूरी इलाज की तरफ ना लेके जाया जाए। अब बहुत दफ़ा ऐसा भी होगा, जो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, कि अगर मरीज़ को कोरोना नहीं है तो आपको एटलीस्ट ये पता तो चल जाना चाहिए। आई नो इन बातों से बहुत सारे ख्यालात और जज्बात और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा, मगर जो मैं कह रही हूँ वो आई एम श्योर वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो ज़रूर पहुँचेगा इंशाल्लाह। कुछ बातें जो मैं बाकायदा जिन पे एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ, अगर मरीज़ को कोरोना की बीमारी नहीं है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि डॉक्टर्स
कोरोना का गैर ज़रूरी इलाज ना करें, जो कि मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टरी का पेशा और इंसानियत लाजिम व मलजूम है और हम इनको कभी जुदा नहीं देखते, इसीलिए तो डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।